नयापुरा स्थित श्री श्रेयांशनाथ जैन मंदिर में बीती रात बदमाशों ने 10 राउंड वाला ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 3 अष्टधातु की मूर्तियां और भंडारे का ताला तोड़कर नकदी ले गए। सूचना मिलने पर सुबह जीवाजीगंज पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जांच करने पहुंचे। मंदिर के पुजारी प्रकाश पांडे ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह 6:30 बजे मंदिर खोलने पहुंचा था। साथ में अमृतलाल साखला और अंगूर बाला नियमित दर्शनार्थी भी थे। बाउंड्री का ताला खोलकर मंदिर के मेन गेट तक पहुंचा, यहां पैर पोंछने का कपड़ा नहीं दिखा तो शंका हुई। मेन गेट का ताला खोलकर मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि सामान बिखरा हुआ था और सीधे हाथ की ओर दरवाजा खुला था। इसकी सूचना मंदिर के प्रबंधकों के साथ जीवाजीगंज पुलिस को दी। कलेक्टर आशीष सिंह ने 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 1 दिसंबर को आदेश पारित कर चाइना डोर के निर्माण, क्रय विक्रय, उपयोग व भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकता से किया जाता है। चाइना डोर के उपयोग से राहगीरों, पशु पक्षियों को चोट पहुँचने की घटनाएं हुई है, इसलिए उक्त आदेश के तहत प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चूना सोमवारिया में रहने वाली महिला ने पति द्वारा चौथा निकाह करने से नाराज होकर जहर खा लिया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्राइम टीम ने बुधवार रात करीब 12 बजे गढ़कालिका के पास खेत पर दबिश मारकर 13 जुआरी पकड़े। सर्द रात में खेत में आरोपी जुआ खेल रहे थे। पुलिस की टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, परंतु सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। CSP विनोद मीणा ने बताया, कार्रवाई जीवाजीगंज पुलिस और क्राइम टीम ने की थी। सभी 13 आरोपियों को गुरुवार दोपहर SDM की कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है। आरोपियों के पास से करीब 22,000 रुपए जब्त हुए हैं। विनोद मिल रहवासियों के मकान शासन प्रशासन द्वारा तोड़े जाएंगे, जिसका नोटिस रहवासियों को दे दिया गया है। उसी को लेकर विनोद मिल की चाल के रहवासी विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में अब कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है और शासन से विरोध प्रदर्शन कर यह मांग की गई कि पहले रहवासियों को रहने के लिए उचित स्थान दिया जाए, उसके बाद ही उन्हें यहां से हटाया जाए। वहीं रहवासियों का कहना है कि यदि मकान तोड़े गए तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। 70-70-80-80 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हमने इतनी मुसीबत से हमारा घर बसाया है, रोज के कमाने रोज के खाने वाले हैं। भाजपा सरकार हमारा लिए, हम हर जन प्रतिनिधि के पास हो के आए, हर नेता के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जहाँ आप रह रहे हो वहीं रहने दिया जाएगा, और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे को हमारे घर की छत छीन रहे, तो जितने भाजपा नेताओं से हमारी वो गुजारिश है कि हमारे लिए सरपास ले, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। हम मरेंगे और ये जमीन ले ले और जगह ले ले। सब औरतें जितनी लेडीज बैठी है 500-600 सब आत्महत्या कर लेंगे, सब JPC के आगे लेट जाएंगे, हमारे बच्चे तक को लेटा देंगे। हम मरेंगे, यूं भी हम मर रहे हैं और यूं भी मर जाएंगे।